Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. और अब बात देश की, जहां पर पदक जीतने वाले पहलवानों ने धरना किया। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों का यह धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहेगा। आपसे कुछ ही देर बाद 10 बजे से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का यह धरना शुरू होगा। इसमें बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे दिग्गज रेसलर शामिल हैं, जो देश के लिए कई पदक जीत चुके हैं। विनेश फोगाट ने कल कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष और रेफरी पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ने आरोपों को साजिश का हिस्सा बताया है, लेकिन ये सभी पहलवान कल जंतर मंतर पर धरना देते हुए दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल यौन शोषण के आरोप उच्च अधिकारियों पर लगाए। सभी को नमस्कार। आप सभी को पता है कि हम धरना दे रहे हैं, सभी पहलवान और जंतर मंतर में बैठे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो कुश्ती जगत से हैं, कोचिज हैं, हमारे गुरु हैं, खलीफा हैं और हमारे पहलवान हैं, ये हमारे गेम को बचाने की लड़ाई है। इसमें आप हमारे साथ खड़े होइए। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं ना कि ये तो 3% है, 97% तो मेरे साथ है, तो आप सभी एकजुट होके, क्योंकि हमें कुश्ती को बचाना है, जो आने वाला भविष्य है हमारा, उसको हमें बचाना है। तो आप सभी एक बार इकट्ठा होके एकजुटता दिखाइए, क्योंकि कुश्ती को बचाना बहुत जरूरी है। कुश्ती ने ही हमें सब कुछ दिया है, तो आप कुश्ती से जुड़े हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। और इन्हीं आरोपों को लेकर खेल मंत्रालय ने अब जवाब मांगा है कुश्ती फेडरेशन से, जिनके आला अधिकारियों पर इन सभी खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। आज भी जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना 10 बजे से शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच आपने सुना बजरंग पुनिया को, उनका कहना था साफ तौर पर कि कुश्ती को बचाना ही उनका प्रथम उद्देश्य है। 72 घंटे के भीतर अब कुश्ती संघ को इस बारे में, इन आरोपों के बारे में जवाब देना होगा। और अब आपको दरअसल सुनाते हैं विनेश फोगाट के आरोप और कुश्ती संघ के प्रमुख का उस पर जवाब। क्या मैं, अगर मेरे को कुछ हो जाता है, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की? और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है, वो जिम्मेदार रहेंगे। हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है, बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ, बहुत हुआ है। 10 से 20 कहानियां तो मेरे को पता है, जो मेरे को सुनाई गई है सामने बिठा के। नाम मैं नहीं ले सकती ऐसे किसी का भी, जो सामने नहीं आएंगे किसी को भी, तो मैं किसी का नाम लेके मैं उनकी लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकती। कोच पर भी आरोप है जी? बहुत कोच हैं, रेफरी हैं, कोच हैं, जो भी इनके लोग हैं, बहुत कोच हैं जी, जो कर रहे हैं सब काम। हम और हमारी फेडरेशन और हमारे कोच, बिल्कुल इनके ऊपर कोई आरोप बनता नहीं है। मेरा शक कहीं जा रहा है कि ये बड़े प्लानिंग के साथ किया गया है। जिसको मुझसे तकलीफ होगी उसी ने किया होगा, हमारा शक है, पर बिना प्रमाण के नहीं बोलेंगे। क्या आपको लगता है कि जो जांच है वो कहीं ना कहीं अब फेडरेशन के अधिकारियों तक आएगी? अब इतना बड़ा आरोप है तो आएगी ही, ये कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं, और किसी छोटे मोटे खिलाड़ी ने नहीं लगाया है, बहुत बड़े खिलाड़ी ने लगाया है, तो ये तो देश सवाल इसका जवाब जानना चाहेगा। जो कोचिज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। कुछ कोचिज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी, सेक्शुअल जी 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 जी। एक आपने कोचेज की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। अध्यक्ष का कोई बहुत लोभ नहीं है, वैसे भी मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, 3 बार में रह चुका हूँ, मुझे अध्यक्ष का कोई लोभ नहीं है। और अध्यक्ष मैं मनोनीत नहीं हूँ, मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ और लोगों ने वोट दिया है, तो हमें कुछ भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने मुझे बनाया है उनसे भी बात करनी पड़ेगी। फिर खिलाड़ी, ये जो ये खिलाड़ी कर रहे हैं, इनकी संख्या 1% से भी कम है, और ये केवल ये फेडरेशन के नियम कायदे नहीं हैं, ये आग काफ़ी दिन से सुलग रही थी,
और इसको सुलगाया गया है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जंतर मंतर से। हिमांशु देखिए, ये जो कीचड़ इस वक्त संघ पर उछला है, इसके दाग और इसकी जो रीच है वो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन इस बीच कोशिश खेल मंत्रालय की भी रहेगी क्योंकि वो खिलाड़ियों को वक्त पर मना लें। जी बिल्कुल, देखिए खिलाड़ियों को मनाने की कोशिश के साथ साथ जवाब देने के लिए भी कहा गया है रेसलिंग फेडरेशन से कि 72 घंटे में जो आरोप इतने बड़े खिलाड़ियों ने और वो भी एक साथ उस जगह पर पहुंच के लगाया है जो जगह जानी जाती है अपनी आवाज उठाने के लिए, लगातार यहां पर सालों से वो लोग पहुंचते हैं जिनकी बात सुनी नहीं जाती, तो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए यहां पर लोग पहुंचते हैं। और यहां पर जब कल इस तरीके से इतने बड़े खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है वो जब यहां पर पहुंचे तो सभी लोग चौंक गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। तो अब उन्होंने जिस तरीके के संगीन आरोप लगाए हैं, निश्चित तौर पर खेल मंत्रालय इसको लेकर के गंभीर है और देखना यह होगा कि चूंकि अभी साफ तौर पर रेसलिंग फेडरेशन अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से मना कर रहा है, लेकिन जो जवाब है उसका इंतजार होगा कि क्या जवाब रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से सरकार को दिया जाएगा। जवाब पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि अध्यक्ष खुद ये कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये खिलाड़ी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, ये देश के पदक वीर है। इन्होंने ओलंपिक में एक कांस्य पदक बजरंग पुनिया ने हासिल किया था और देश का नाम रोशन किया था। वहीं विश्व चैंपियनशिप में एक रजत और इसके साथ ही 3 कांस्य पदक जीत चुके हैं बजरंग पुनिया, जाना माना एक नाम है इस पूरे क्षेत्र में। CWG गेम्स की यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात कर लें, इसमें 2 स्वर्ण जीते थे इन्होंने और एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया था, यानी कि कुल मिलाकर अगर इनका पूरा करियर रिकॉर्ड देखा जाए तो बेहद स्वर्णिम ये रिकॉर्ड रहा है। विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीत चुकी हैं और यही लगातार आरोप लगा रही हैं अध्यक्ष पर, रेफरी पर, कि यहां पर इस क्षेत्र में महिलाओं का शोषण किया जाता है। एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य के साथ विनेश फोगाट सुर्खियों में आई थी और उसके बाद CWG गेम्स में उन्होंने 3 स्वर्ण पदक हासिल किए थे, लेकिन विनेश लगातार ये कह रही हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है, यौन शोषण लगातार होता आ रहा है और इसीलिए अब हम ये आवाज उठा रहे। साक्षी मलिक ओलंपिक में 1 कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया था, इसके अलावा CWG गेम्स में भी इन्होंने पदक हासिल किए और साथ ही CWG गेम्स की अगर बात करें तो 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य के साथ साक्षी मलिक ने CWG गेम्स में काफी ज्यादा नाम हासिल किया था। क्या कुछ कहना है महिला आयोग के अध्यक्ष का, सुनिए। बहुत दुख हुआ देख के कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे ओलंपियन रेसलर्स को आज दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। उनका ये आरोप है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और कई कोचेस महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए कि जिन शेरनियों ने ओलंपिक्स में जाकर हमारा नाम रोशन करा आज उनको सड़क पे बैठ के रोना पड़ रहा है। बहुत ही गंभीर मामला है और हमने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को, क्योंकि इस मामले में तुरंत न्याय होना ही चाहिए। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।